ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 1 अप्रैल 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:34 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो मंथ का मंथली चार्ट भी एक बार देखेंगे और उसके बाद वीकली, डेली और फिर 60 मिनट के चार्ट पर अपने इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 31 मार्च आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 8368। तो जैसे कि आप देख रहे, निफ्टी इंडेक्स कल ओपन हुआ था, एक गैप ओपन हुआ था यहाँ पर और ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर ओपन हो चुका था। उसके बाद ये टूवर्ड साउथ की तरफ ये नीचे आया और जो 20 EMA था ये अराउंड पिवट पॉइंट का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया। बाउंस बैक होते ही इसने फर्स्ट टारगेट 8428 को अचीव कर लिया और सेकंड टारगेट 8490 को भी अचीव कर लिया। फिर से एक बार इसने ये जो फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो 20 EMA को लगातार ये एज ए सपोर्ट टेस्ट कर रहा था और फिर से जब ये बाउंस बैक हुआ तो एक्सट्रीम यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिला। तो कल एक बाउंस बैक देखने को मिला, अभी ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट इस समय। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 58 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 43,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार देखे तो वहां पर फिर से एक बार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, नासडैक 74 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ था। कल यूरोपियन बाजार, जैसे कि पूरे ग्लोब में एक रिकवरी देखने को मिल रही थी, एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा था, यूरोपियन मार्केट्स भी कल हरे निशान में बंद हो चुके थे। लेकिन जब आज एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो जापान में भी इमरजेंसी के हालत पैदा हो चुके हैं, वहां पर भी कोरोना का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल 46 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, निक्केई 177 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और चाइना मार्केट हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 282 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो मार्केट में इस समय प्रेशर है, अभी भी कोई ठोस इलाज कोरोना वायरस के ऊपर नहीं मिल रहा है। जो टोटल ओवरऑल डेथ्स थे वो 42,000 का फिगर क्रॉस कर चुका है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। ये मंथली चार्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। ये जो यहाँ पर 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है, 2008 में इसने इसके पास काफ़ी समय बिताया था, एक करीब 5-6 मंथ यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, एक कंसोलिडेशन फेज था और उसके बाद इसने यहाँ से जंप दिखाया था। लेकिन अभी जो नेचुरल क्राइसिस है, अभी इसका कोई भी ठोस यहाँ से रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है पूरे दुनिया भर में। दिन ब दिन ये जो सिचुएशन है और थोड़ी सी यहाँ से टेंशन भरी दिखाई दे रही है। अमेरिका में देखे तो वहाँ पर भी अभी पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल नहीं ला पा रहे। तो ये जो लास्ट मंथ यानी मार्च का ये जो बियरिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स, ठीक है, अगर ये 100 EMA के ऊपर यहाँ से ऊपर क्लोज होता तो और चांसेस होते थे कि यहाँ से हमें और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज या फिर 1-2 महीने के बाद यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन में पैटर्न बनने के बाद एक अपसाइड मूव आते हुए हमें दिखे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 EMA के जस्ट 150 पॉइंट नीचे ये क्लोज हुआ है और बियरिश कैंडलस्टिक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक। तो उसके बाद इतना जो लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना है, हो सकता है यहाँ से फिर से एक बार हमें ऐसे बियरिश कैंडलस्टिक देखने को मिले। फिर एक बार यहाँ पर ये जो लेवल है, यहाँ पर ये छोटा स्विंग लो बना था पास्ट में, यहाँ पर ही इसने
सपोर्ट टेस्ट किया है, तो हो सकता है इस लेवल के पास ही ये सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश करे। यहाँ पर ये ऐसे ये कंसोलिडेशन फेज हो सकता है यहाँ पर एक क्रिएट हो और उसके बाद एक रिकवरी, कंटिन्यू रिकवरी अपसाइड मूवमेंट में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे। तो ये एजम्पशंस है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन मार्च का कैंडल देखे काफी लॉन्ग है, तो हो सकता है इसका लो भी ब्रेक कर सकता है अगर यहाँ से सिचुएशन जो है वो और डिफिकल्ट बनती है, काफी मुश्किल बनती है, तो हो सकता है यहाँ से और भी ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव करता हुआ हमें दिखाई दे। तो मंथली चार्ट में फिलहाल अभी ये सपोर्ट जोन के पास है, यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज बनता है या नहीं ये आने वाला टाइम हमें दिखा सकता है। टेक्निकली एक सपोर्ट लेवल के पास निफ्टी अभी इस समय है। वीकली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर ये जो फॉल आया है ये टॉप और ये बॉटम को पकड़ के हमने ये ड्रॉ किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, तो 8672 के पास ये अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं दो दिन हो चुके इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर चला जाता है तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशोज ये जो 38.2 है 50% का लेवल है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। डेली चार्ट में एक पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये इसे मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ये जापनीज कैंडलस्टिक और ये लाइन चार्ट। तो जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर देखा था, ये देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, यानी बुलिश टू बेरिश पैटर्न, बुलिश टू बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, और यहाँ पर बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी उल्टा हेड एंड शोल्डर, जो कि बेरिश टू बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। अभी ये यहाँ पर राइट जो शोल्डर है ये हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड और ये हो सकता है राइट शोल्डर, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के बाद ये जो इसका नेक लाइन आएगा इसका भी ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर एक बुलिश कैंडलस्टिक बनता है तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा कंफर्मेशन के साथ, तो ही यहाँ से अपसाइड मूव, एक शार्प अपसाइड मूव हमें आते हुए दिखाई दे सकती है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ये पैटर्न है ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ये यहाँ से अभी ये जो यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, हो सकता है यहाँ पर ये फिर से एक बार रेजिस्टेंस फेस करे और फिर से नीचे आए, तो यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटीज है। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो चीज़ है वो क्लियर होती जाएगी। तो टेक्निकली अभी एक पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कंप्लीट होता है, कंफर्मेशन मिलता है, इसका वेट करना पड़ेगा। तो ये था डेली, वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स आज क्या होंगी। अगर ये निफ्टी इंडेक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो फेस था दो तीन दिन पहले, एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेस था, इसका अपर बैंड और लोअर बैंड, ये जो यहाँ पर अपर बैंड है हो सकता है अभी फिर से आके यहाँ पर निफ्टी अटक सकता है। तो कम्प्लीटली इस लेवल को अगर आज ये ब्रेक करता है, यानी पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, यानी 8731 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही यहाँ पर इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 8802, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R2 का लेवल, यानी 8864, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर ये बढ़ता है तो इसे कम्प्लीटली ये जो मूविंग एवरेजेस है ये 20 और 50 हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले, और उसके बाद नीचे ये S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है 8411 के पास, तो इसके नीचे अगर कम्प्लीटली चला जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8349, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 8280, जहाँ पर ये दो दिन पहले इसने क्लोज दिया था, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।